जय श्री राम फ्रेंड्स, आसान रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्च का महीना आ गया है, इस महीने में होली की बड़ी धूमधाम रहती है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग अपने अपने घरों में तरह तरह के पापड़ बनाते हैं। तो आज हम साबूदाना के पापड़ भाप में बनाएंगे, जिसे ना घोलना है, ना पीसना है, ना ही आपको साबूदाना का आटा चाहिए होगा, ना ही आपको बहुत रात भर भिगोना होगा। इंस्टेंट हम बनाएंगे साबूदाना के स्टीम पापड़। जी हाँ, आज हम आपको भाप में बनाकर बताएंगे और बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसे गैस पे रख दिया है। कढ़ाई में हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे और कढ़ाई में पानी के बीच में कोई भी कटोरी या प्लेट आप रख दीजिए, या आपके पास स्टैंड होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। और हम कढ़ाई की लिड लगा देंगे और पानी को बॉयल्ड होने देंगे। हमारा साबूदाना सोख हो चुका है, अब हम इसमें तेज से थोड़ा कम ही नमक डालेंगे और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। जब तक हम इधर तैयारी कर रहे थे, तब तक हमने एक कटोरी साबूदाना ले लिया था। ये देखिए, इसको मैंने भिगो दिया था। बहुत ज्यादा, 2-4-6 घंटे नहीं भिगोना होता है। आप जब तक तैयारी कर रहे हैं, तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे छोड़ दीजिए, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए, मैंने दूध ढकने की जो छन्नी होती है उसे हमने ले लिया है और उसमें हमने चूड़ियां रख दी है। इन चूड़ियों में आप जो साबूदाना है भीगा हुआ वो हम इसमें रख देंगे। एक एक चम्मच आप साबूदाना को रखिए और उसे फ्लैट चम्मच से ही फ्लैट कर दीजिए या हाथ की सहायता से कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इनको, जितना भी साबूदाना उस घेरे में आ रहा है उतना आप रखिए और उसे बराबर कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे साबूदाना को चूड़ी के अंदर रख दिया है। अब हम इसे उठा करके कढ़ाई में बीच सेंटर पे रख देंगे और लिड लगा देंगे। लिड लगाकर हम, जब तक हमारा साबूदाना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसे पकाना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो रहा है। हम बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे साबूदाना के पापड़ ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, यानी कि अब ये पक चुके हैं। इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स, 2-3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना है। अब हम इस छन्नी को निकाल लेंगे और यहाँ पे दूसरी छन्नी को शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, दूसरा बैच हमारा पापड़ का, हम उसको रख देंगे कढ़ाई में और लिड लगा देंगे। इसे भी पहले ही की तरह हमें पकाना है। और फ्रेंड्स, बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा कुक हो जाएंगे तो ये जाली में चिपक जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, साबूदाना के स्टीम पापड़ देखिए, बिल्कुल मोतियों जैसे दिख रहे हैं। एक एक दाना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है और एक साथ बाइंड भी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इनको इसके किनारे छुड़ाने के लिए हम चाकू की मदद से चूड़ियों के किनारे किनारे से साबूदाने को हटा लेंगे और चाकू के एक सिरे से हम पूरा साबूदाना निकाल करके अलग थाली प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सावधानी से निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे साबूदाना के पापड़ को छन्नी में से निकाल लिया है। कितने सुंदर लग रहे हैं, ये दूध जैसे सफेद एकदम साबूदाना है और ये सूखने पर भी बहुत अच्छे दिखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इन्हें धूप में रख देते हैं और जब हमारा साबूदाने का पापड़ सूख जाएगा तो मैं आपको इन्हें तलकर भी दिखाऊंगी कि इनका टेक्सचर बाजार जैसा आता है कि नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे साबूदाना के पापड़ सूख चुके हैं। तो चलिए अब मैं इन्हें आपको तल के दिखा देती हूँ। देखिए, हमने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है, तो हम इसमें साबूदाना का पापड़ डाल दें। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत हाई फ्लेम पे हमें साबूदाना के पापड़ को नहीं तलना है। आप साबूदाना का पापड़ तेल में डाल दीजिए और इसको स्लोली आप चलाते रहिए कलछी से और ये खुद ही फूल करके बड़ा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। तेल हमारा गर्म हो जाए तब हमें इसमें पापड़ डाल देना है, फिर हमें फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है, वरना हमारा साबूदाना ऊपर से फूल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना एकदम बाजार जैसा, सफेद दूध की तरह। देखिए ये कितना व्हाइट है। इसी तरह से सारे साबूदाना के पापड़ को तल लेंगे। बिना झंझट के आप इन्हें बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें आसान तरीके से बनाइए, सुखाइए और तलिए, फिर खाइए और आनंद लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितने कुरकुरे हैं। ये देखिए, देखिए बिल्कुल टूट गया है और ये कुरकुरे भी हैं, कच्चा भी नहीं है, सारे दाने एकदम से फूल चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें आसान तरीके से बनाइए और आनंद लीजिए।